वेलकम बैक बाजीगर्स। अगर आप हमारे पोकर लेसन्स को काफी वक्त से देख रहे हैं तो अब तक आपको ये पता चल ही गया होगा कि पोकर में कितनी तरह की बेट्स होती हैं। आइए एक बार अभी तक सिखाई गई बेट्स के बारे में फिर से जान लेते हैं और उसके बाद आपको इस टॉपिक के बारे में कुछ और नई जानकारी देते हैं। जब भी कोई प्लेयर टेबल के बीच में चिप्स डालता है, जिसे पोकर में पॉट कहा जाता है, तो ये एक बेट कहलाता है। प्री फ्लॉप राउंड में अगर आप बिग ब्लाइंड पोजिशन में नहीं है तो आप तीन तरह से बेट कर सकते हैं। नंबर वन, कॉल करके, यानी उतने ही चिप्स पॉट में डालकर जितना आपसे पहले वाले प्लेयर ने बेट किए हैं। नंबर टू, रेस करके, यानी कि बिग ब्लाइंड वाले प्लेयर से कम डबल चिप्स पॉट में डालकर। एंड नंबर थ्री, ऑल इन करके, यानी कि अपने सभी चिप्स एक साथ पॉट में डालकर। आप किस वक्त पर कौन सी बेट करते हैं यह कई चीजों पर निर्भर करता है, आपके अपने कार्ड्स की स्ट्रेंथ, टेबल पर आपकी पोजिशन, आपके ओपोनेंट्स के खेलने का तरीका या आदत वगैरह। सबसे पहले मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताना चाहूंगा जो नए खिलाड़ी पोकर खेलना शुरू करते वक्त कई बार करते हैं, और यह गलती है सिर्फ कॉल करते रहना, जिसे पोकर में फ्लैट करना या लिंप करना भी कहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मान लीजिए कि एक 5-10 स्टेक्स टेबल पर आप डीलर पोजिशन पर बैठे हैं और आपसे पहले के सभी खिलाड़ी पॉट में 10 चिप्स डालते हैं। अब आपकी बारी है और चाहे आपके होल कार्ड्स की स्ट्रेंथ कुछ भी हो, आप भी सिर्फ फ्लॉप देखने के लिए उस पॉट में ₹10 बेट कर देते हैं। इस बेटिंग को फ्लैट या लिंप करना कहा जाता है। यह एक ऐसी आदत बन जाती है जिससे बाद में बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप देखते हैं कि टेबल पर ज्यादातर खिलाड़ी यही कर रहे हैं, तो आपको लगता है शायद पोकर खेलने का यही सही तरीका है, मिनिमम पैसे डाल के सारी फ्लॉप्स देखना। पर याद रखें, पोकर में हमारा मकसद हर हैंड खेलना नहीं है, बल्कि ज्यादा से ज्यादा जीतना है। तो जब आप पोकर खेलना शुरू करें तो सबसे पहली चीज जो आपको सीखनी है वो है रेस करना। एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर आपसे पहले कोई और प्लेयर रेस कर चुका है तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसे रीरेस ही करें। आपसे पहले की गई रेस को आप कॉल भी कर सकते हैं, पर अगर आप रीरेस करने की सोच रहे हैं तो आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड होना चाहिए, जैसे कि एस एस, किंग किंग, क्वीन क्वीन, जैक जैक, 10-10, 9-9, एस किंग, एस क्वीन, एस जैक वगैरह। रेस करके आप दो तरीके से हैंड जीत सकते हैं। एक तो तब जब आपकी रेस को देखकर फ्लॉप खुलने से पहले ही बाकी सब प्लेयर्स फोल्ड कर दें, और दूसरा जब आप अपने कार्ड्स की स्ट्रेंथ को समझकर रेस करते हैं तो आपके पास एक ऐसा हैंड है जो बड़े पॉट जीतने में आपकी मदद करता है। अगर आप हैंड स्ट्रेंथ की लिस्ट को फिर से याद कर लेना चाहते हैं तो आप हमारे हैंड स्ट्रेंथ लिस्ट वाले चैप्टर को दोबारा देखें। तो पोकर में कोई भी हैंड खेलने के लिए हमारा पहला गोल्डन रूल है कि आप प्री फ्लॉप या तो रेस करें या तो फोल्ड करें, फ्लैट कॉल या लिंप ना करें। चलिए अब ये तो हम समझ गए कि हमें प्री फ्लॉप रेस करना है, पर ये रेस कितनी की जानी चाहिए? क्या ये रेस हमें अपने कार्ड्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से करनी चाहिए? जितने बड़े कार्ड्स उतनी बड़ी रेस? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जैसे आप टेबल पर बाकी प्लेयर्स की बेट्स पर ध्यान दे रहे हैं वैसे ही बाकी प्लेयर्स भी आपकी बेट्स पर ध्यान दे रहे हैं, और कार्ड्स की स्ट्रेंथ के हिसाब से रेस करना उन्हें हमारी गेम के बारे में जरूरत से ज्यादा जानकारी दे सकता है। फॉर एन एग्जाम्पल, मानिए आप एक 5-10 स्टेक्स की टेबल पर हैं और आप किंग जैक आने पर 30 रेस करते हैं, पर एस किंग आने पर 50 रेस करते हैं और एस एस आने पर 100 रेस करते हैं। आपके ओपोनेंट बहुत जल्दी आपकी इस आदत को समझ जाएंगे और इसका फायदा उठाएंगे, जैसे कि आपकी बड़ी रेस पर वो फोल्ड कर देंगे और छोटी रेस पर आपको री रेस कर देंगे, क्योंकि आपने अपने बेट के साइज से उन्हें बता दिया है कि आपका हैंड ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। तो पोकर का दूसरा गोल्डन रूल ये है कि जब भी आप रेस करें तो उस रेस का साइज एक जैसा ही रखें, यानी कि आपको हर बार 30 ही रेस करना चाहिए, आपके पास किंग जैक हो या एस किंग या एस एस। ऐसा करने से आपके ओपोनेंट कभी भी आपके हैंड की स्ट्रेंथ का सही अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। प्री फ्लॉप रेस करने का जो तरीका अब मैं आपको बताने वाला हूं वो कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, बल्कि एक ब्रॉड गाइडलाइन है। मानिए आप 5-10 स्टेक्स वाले एक 6 प्लेयर टेबल पर डीलर पोजीशन पर हैं। यहां अगर आपसे पहले वाले सभी प्लेयर फोल्ड कर देते हैं तो आप यहां 3 बिग ब्लाइंड रेस कर सकते हैं।
पर अगर आपसे पहले किसी और प्लेयर्स ने सिर्फ कॉल किया हो तो आप हर कॉल करने वाले प्लेयर का एक एक्स्ट्रा ब्लाइंड अपनी रेज में ऐड कर सकते हैं। यानी कि अगर आपसे पहले वाले सभी प्लेयर्स ने फोल्ड किया है तो आपकी रेज होगी 30। अगर आपसे पहले एक प्लेयर ने कॉल किया है तो आपकी रेज होगी 40। और अगर आपसे पहले दो प्लेयर्स ने कॉल किया है तो आपकी रेज होगी 50। रेज करने के दो कारण हो सकते हैं। नंबर वन, वैल्यू, यानी जब आपका हैंड स्ट्रांग है तो अपने ओपोनेंट्स के कमजोर हैंड से ज्यादा चिप्स जीतना। या नंबर टू इज ब्लफ, यानी कि अपने से बेहतर हैंड को यह विश्वास दिलाकर फोल्ड करवा देना कि आपका हैंड उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। बेसिक्स ऑफ बेटिंग्स में इतना ही। अपने अगले चैप्टर में हम बात करेंगे कि पोकर की अलग अलग स्टेजेस में आप और कितनी तरह की बेट्स कर सकते हैं। जरूर देखिए और अच्छे से सीखिए। सी यू देयर।